आपका स्वागत है। आज हम दो कलाकार पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी लेखिका हैं मनु भंडारी। दो कलाकार, जैसा कि आप शब्दों से ही जान सकते हैं कि इसमें कलाकारों के बारे में है। कलाकार का मतलब है कि जिसने किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष योगदान दिया हो, जैसे चित्रकार, संगीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार। इस तरह से कलाकारों का एक विस्तृत समाज है। लेकिन यहाँ जिस सवाल को लेखिका ने उठाया है, वहाँ स्थापना की गई है कि कागज पर जो कलाकारी की जाती है, क्या वह श्रेष्ठ है, या लोगों के जीवन को सुधारने और संवारने के लिए जो प्रयास किया जाता है, वो श्रेयस्कर है। चूंकि रचनाकार की दृष्टि में दोनों कलाएं हैं, और वास्तव में चित्रकला जो होती है उससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन मानव सेवा की जो कला है उस पे उतनी दृष्टि नहीं जाती है। इसी भावभूमि पर इस पाठ को उकेरा गया है, और हम आगे चलकर एक-एक करके देखेंगे कि किस तरह से इसमें संवादों के माध्यम से इस बात की स्थापना की गई है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के लेखन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसमें दो पात्रों को गढ़ा गया है, एक चित्रा और दूसरी अरुणा, और इन दोनों कलाकारों के माध्यम से कला के दो विभिन्न रूपों को उद्घाटित किया गया है। इसमें कहानी के जो तत्व होते हैं उनका समावेश भी हम देखेंगे, भाषा शैली पर भी चर्चा करेंगे, और व्याकरणिक दृष्टि से भी हम देखेंगे कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ को पढ़ा होगा। मैं संक्षेप में इसके मूल पाठ को बताता हूँ ताकि एक बार आपकी पुनरावृत्ति हो जाए। इसमें अरुणा और चित्रा दो सहेलियों के माध्यम से एक संवाद की सृष्टि की गई है, और दोनों हॉस्टल में रहती हैं लड़कियां, और दोनों ने अपने अपने जीवन में कला को महत्व दिया है, और आप देखेंगे कि इनकी बातचीत से यह निकल कर सामने आता है कि एक चित्रकला की प्रेमी है चित्रा, और दूसरी ओर अरुणा मानव सेवा में समर्पित है। हॉस्टल का पूरा एक दृश्य स्थापित किया गया है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें मनोज नामक पात्र का जिक्र है, अरुणा के साथ जिसका विवाह होने वाला है, और वह भी मानव सेवा में संलग्न है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो तर्क चित्रा और अरुणा अपने अपने पक्ष में दे रही है, उनके क्या तर्क हैं, और वह अपनी अपनी कला को श्रेयस्कर कैसे बताती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है, और उस बाढ़ के दृश्य से एक ओर चित्रा प्रभावित होकर चित्रकला का प्रदर्शन करती है, तो दूसरी ओर अरुणा बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं उनकी रक्षा के लिए संकल्प लेती है। फिर हम देखते हैं कि चित्रा विदेश में अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए जाती है, और अरुणा के साथ उसका संपर्क टूट जाता है। लेकिन चित्रा के जाने के पहले एक घटना घटती है, और उस घटना में एक भिखारिन को दिखाया गया है कि वो मृत पाई जाती है, और उसके जो दो छोटे बच्चे हैं वह उसे पकड़कर रोते चिल्लाते हैं। तो इस चित्र को बहुत ही सुंदर तरह से उकेरा है चित्रा ने। लेकिन जब अरुणा ने इस कहानी को सुना तो वह भागकर उनके पास जाती है। इस बीच में घटनाक्रम में जो बदलाव होता है कि विदेश में पढ़ते हुए चित्रा अपना पाठ्यक्रम पूरा करके वापस आती है और चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसमें अरुणा से उसकी मुलाकात होती है, और अरुणा के साथ दो छोटे बच्चे 8 और 10 साल के जो उसके साथ रहते हैं। तो चित्रा पूछती है कि ये किसके बच्चे हैं। तब अरुणा बताती है कि वे उसी के बच्चे हैं, लेकिन वह चित्रा मानती नहीं है और उसे विस्तार से बताने के लिए कहती है। तो फिर
अरुणा ने बताया कि जो चित्र बनाकर तुमने ख्याति पाई है, मरी हुई माँ और उसके दो बच्चों का चित्र, वो दो छोटे बच्चे वही हमारे साथ रहते हैं, उनको ही अपने संतान के रूप में हमने अपने पास रखा है। यह सुनकर चित्रा आश्चर्यचकित हो जाती है और अंत में यही लगता है कि मानव सेवा और व्यक्ति सेवा, समाज सेवा को वह बहुत ही श्रेष्ठ स्वीकार करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि संवादों के माध्यम से इस कहानी का ताना बाना बुना गया है और इसमें जो विभिन्न घटनाओं का जिक्र है वह उद्देश्य से सीधा सीधा संबंधित है। अगर हम इसकी पुनरावृत्ति संक्षेप में करें तो इस तरह से देख सकते हैं कि अरुणा का विवाह मनोज के साथ निश्चित हो चुका है, चित्रा धनी पिता की इकलौती पुत्री है, अरुणा एक समाज सेविका है, चित्रा एक चित्रकार और प्रसिद्धि पाने के लिए उत्सुक है जिसे गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त है। अखबारों से पता लगता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ आ गई है और बाढ़ पीड़ितों की हालत ख़राब हो चुकी है, तो अरुणा शिविर में जाती है और बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती है। लेकिन दूसरी ओर चित्रा उन पर आधारित चित्र बनाती है। एक अन्य दृश्य जो दिखाया गया है कि गर्ग स्टोर पर एक भिखारिन की मृत्यु हो जाती है और चित्रा उस मरी हुई भिखारिन और उसके बच्चे का एक सुंदर चित्र बनाती है और उसके बाद वह विदेश पढ़ने चली जाती है, लेकिन भिखारिन वाले चित्र पर चित्रा को विशिष्ट पुरस्कार मिलता है। लेकिन जब चित्रा वापस आती है तो बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन करती है और उसे प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। प्रदर्शनी में ही अरुणा का चित्रा से मिलन होता है और अरुणा दो बच्चों के साथ वहाँ पे पहुँचती है। चित्रा को पता लगता है कि अरुणा के साथ आए जो दोनों बच्चे हैं वो उसी भिखारिन के बच्चे हैं जिसका चित्र उसने बनाया था, और इस प्रकार वह खुद को अरुणा के सामने बहुत ही छोटा महसूस करती है। तो यहाँ मनु भंडारी ने एक ही पद्धति को अपनाया है, कुछ स्थितियों को स्पष्ट किया है और बाद में एक घटना को भी प्रस्तुत किया है। कहानी को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कहानी में तत्व कौन कौन से होते हैं और उन तत्वों के आधार पर ही कहानी की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ भी कहानी के 6 तत्वों के आधार पर हम व्याख्या करेंगे। उसमें पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा देश काल तथा वातावरण, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा कथोपकथन अथवा संवाद योजना, पांचवा उद्देश्य और छठा भाषा शैली। अब इन तत्वों को थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे और किस तरह से इन तत्वों को इसमें समाहित किया गया है इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कथा वस्तु का जो निर्माण होता है वह घटनाओं और पात्रों के द्वारा किया जाता है और लेखक एक ताना बाना बुनता है कथा वस्तु का, जिसमें कई घटनाएं प्रधान होती हैं। कभी चरित्र प्रधान होता है, कभी वातावरण की प्रधानता होती है। यहाँ आप देखेंगे कि एक हॉस्टल का पूरा परिदृश्य दिखाया गया है और शुरुआत भी कहानी की छात्रावास में रहने वाली जो चित्रा और अरुणा है उसके हास उपहास और विनोद और उनकी जो गाढ़ी दोस्ती है उसके माध्यम से चित्र उकेरा गया है। इस कहानी के शुरू के अंशों में धीरे धीरे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया कि घटनाओं का एक निश्चित क्रम बनाया गया है और कथा वस्तु में ही यह स्थापित कर दिया गया है कि एक अरुणा जो है लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए लालायित है, तो दूसरी ओर चित्रा अपने चित्रों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। और जो कहानी का अंतिम भाग है उसमें भी दिखाया गया है, एक घटना का निर्माण किया गया है और इसी तथ्य को स्थापित किया गया है कि कलात्मकता तो अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो जीवन का उद्धार करना है किसी के उसमें ईमानदारी दिखानी है वह पूरी तरह से जीवंत होता है और वही श्रेयस्कर होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व देश काल और वातावरण है। इसका अर्थ है कि सामाजिक, भौगोलिक और जो ऐतिहासिक स्थितियां हैं
उनके इर्द गिर्द किस तरह से उभारने की कोशिश की जाती है, और किसी देश की या कालखंड की जो विशेषताएं हैं उसे लेते हुए रचनाकार किस तरह से कहानी में उसे पिरोता है। इस कहानी में भी आधुनिक समाज का जो वातावरण है, जिसमें दो सहेलियां हैं वो हॉस्टल में रहती हैं, और भारतीय समाज का जो बदलता हुआ स्वरूप है, आधुनिक शिक्षा का जो स्वरूप है, वह बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ दर्शाया गया है। आज के समाज में जो लड़कियां हैं वह आत्मविश्वास और निर्णय की क्षमता से भरपूर हैं, और उन सारी विशेषताओं को यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो मानदंड है वह है पात्रों का चरित्र चित्रण, अर्थात जो मुख्य पात्र हैं इसमें अरुणा और चित्रा, उनके माध्यम से पूरी कहानी आगे बढ़ती हुई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरुणा की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अरुणा एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की है, संस्कार से भरा हुआ परिवार है, और परोपकार की भावना, समाज सेवा की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह बच्चों को पढ़ाती भी है, बाढ़ पीड़ितों की सेवा भी करती है, और उसकी वजह से उसकी पढ़ाई में बाधाएं भी आती हैं, लेकिन वह उन कार्यों को बहुत ही श्रेष्ठ समझती है और पढ़ाई के साथ साथ उसे जारी रखती है। उसकी सहेली चित्रा उसे कहती भी है कि तुम सारे दिन भटकती रहती हो और ये समाज सेवा से क्या मिलता है, लेकिन अरुणा बहुत ही संवेदनशील है और जब भी कोई चिंताजनक या संवेदनशील घटनाएं होती हैं वह वहाँ पर पहुंचकर अपनी सेवाएं देती है। असल में जो अरुणा का स्वभाव है वो है रोगियों, दुखियों, पीड़ितों, उनके प्रति अपार प्रेम से भरा हुआ है, और वह कहानी के अंत में जाते जाते इतनी करुणाशील हो जाती है कि एक गरीब महिला की मृत्यु होने के बाद उसके दो अनाथ बच्चों को अपने साथ ले जाकर उनका पालन पोषण करती है। तो यह मानवता की एक चरम पराकाष्ठा है। यद्यपि कहानी में जगह जगह उसकी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं और जीवन की उपयोगिता पर सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन वह अडिग रहती है और पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित होती है। अब हम चित्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चित्रा धनी पिता की बेटी है और इकलौती भी संतान है, उसमें अनेक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, इसीलिए वह समय समय पर नए नए चित्रों का निर्माण करती है, और वह अरुणा को भी यह समझाने की कोशिश करती है कि चित्रकला ही श्रेयस्कर है, इसीलिए वह रंगों में डूबी रहती है, उसको दुनिया की कोई खोज खबर नहीं है, और वह चित्रकला को इतना महत्व देती है जिसकी वजह से विदेश में पढ़ाई करने भी जाती है और वहाँ से आकर चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाती है, और उससे उसका पूरे देश में नाम भी होता है, और यही उसकी ख्वाहिश भी है। अगर हम कलात्मक ढंग से देखें तो वास्तव में उसमें कला प्रेम कूट कूट कर भरा है, और वह विनोदी स्वभाव की भी है, मजाक भी करती है, और अपनी जो सहेली है अरुणा उसके साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। हालांकि उसके साथ विचारों का तालमेल नहीं है, लेकिन वह बहुत ही ध्यान रखती है अरुणा का, और जगह जगह दिखाया गया है कि वह सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। इसके बाद हम संवाद योजना को देखते हैं। शिक्षार्थी, इस कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ संवादात्मक शैली में ही छोटे छोटे संवादों के माध्यम से कहानी को विकसित किया गया है, और जहाँ पे दो लोगों का संवाद है उसमें उपहास भी है, हास्य भी प्रकट होता है और आत्मीयता भी प्रकट होती है। कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है उद्देश्य, क्योंकि हर कहानी का एक बड़ा उद्देश्य होता है। रचनाकार केवल मनोरंजन के लिए रचनाओं की सृष्टि नहीं करता। यहाँ भी मनु भंडारी ने समाज सेवा को एक कला का दर्जा दिया है। उनकी दृष्टि में कला की सच्ची संवेदना चित्रों के माध्यम से कम होती है, समाज सेवा के माध्यम से ज़्यादा होती है, और दूसरों की पीड़ा को दूर करना यह तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन का, इसीलिए वह चित्रकला
और समाज सेवा, इन दोनों में जगह जगह तुलना करती चलती हैं और समाज को एक श्रम का महत्व भी बताती चलती हैं। और अरुणा एक आदर्श पात्र के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में संलग्न रहती हैं। और कहानी के अंत में चलकर तो वह गरीब बच्चों को अपने जीवन में ही धारण कर लेती है, गरीब बच्चों को अपने बच्चे के रूप में रखना शुरू करती है, पालती पोसती है। यह वास्तव में कहानी का मूल संदेश है। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो इस कहानी की भाषा बोलचाल की भाषा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परिवेश और पात्र के अनुसार भाषा थोड़ी बदलती रहती है, जैसे क्यों बड़बड़ कर रही हो, ले मैं आ गई, चल बना चाय, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, तूने तो पढ़ ली होगी फाड़ कर, चल हट। तो इस तरह के जो छोटे छोटे संवाद हैं वो भाषा को नया तेवर भी देते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, जैसे लेक्चर, बोर, आइडिया, कन्फ्यूज़न। उसी तरह से उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे इम्तहान, हुनर, बहस, अखबार। इस तरह की बहुत सी शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वाक्यों को कहीं भी बोझिल या दार्शनिकता से नहीं भरा गया है, वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं। इन छोटे छोटे वाक्यों से भाषा बहुत ही प्रभावित करने वाली और आकर्षक हो गई है। अब हम देखते हैं कि हर पाठ का उद्देश्य होता है कि भाषा कौशल का विकास करना, और इस कौशल विकास में हमने वाक्य भेद को यहाँ पे शामिल किया है। पहले आपने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद देखा होगा, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को समझाया गया। लेकिन दूसरी ओर कार्य की दृष्टि से भी देखें तो वाक्य के भेद को समझना चाहिए। जैसे अरे यह क्या, आ गए सब बच्चे, या तेरी तरह लकीरें खींचकर समय बर्बाद नहीं करते। तो इसमें कई तरह के वाक्य आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे आज्ञार्थक वाक्य, साधारण वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। इस तरह से भी वाक्यों की संरचना की जाती है। और अगर आप अर्थ की दृष्टि से देखें तो उसमें भी वाक्य की जो संरचना है उसका अर्थ है वो भी बदल जाता है। जैसे चित्रा ने सोई हुई अरुणा को उठाया, ये कथन के रूप में है, और चित्रा ने सोई हुई अरुणा को नहीं उठाया तब निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। क्या चित्रा ने सोई हुई अरुणा को उठाया, ये प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा। सोई हुई अरुणा उठो, ये आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से भाषा में जो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसके भी विभिन्न भेद आपको दिखाई देते हैं। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि मनु भंडारी ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर विशेष रूप से अपनी रचनाएं की हैं, और जो नारी के मन में उठने वाली विभिन्न संवेदनाएं होती हैं, जो विभिन्न तरह के उथल पुथल और संवेदनहीनता होती है, उन सभी को इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखें तो मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आपने देखा कि यह कहानी बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत की गई है और इसमें कहानी के विभिन्न तत्वों को समेटा गया है, और एक निश्चित क्रम में कहानी को आगे बढ़ाते हुए रचनाकार ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि मानव जीवन में चित्रकला का महत्व तो है एक कला के रूप में, लेकिन उससे बढ़कर समाज सेवा का महत्व है। यह कहानी कहीं ना कहीं सबको संदेश देती है कि हमें भी अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों के प्रति समानुभूति होनी चाहिए, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी मानवता सुरक्षित रह सकती है और हम इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को एक सुंदर घर की तरह बना सकते हैं। अब आपको हम परीक्षा की दृष्टि से एक दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे। यह पाठ चूँकि एक महत्वपूर्ण कहानी है,
इसलिए सबसे पहले आपको इस कहानी का पूरा स्वरूप, उसकी रूपरेखा, उसका ताना बाना, उसकी कथा वस्तु, इसे समझना जरूरी है। अगर आप पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं पर आधारित होंगे। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर अनुराधा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ जिन 6 तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन तत्वों को एक एक कर आप उसका विश्लेषण करेंगे। उसके अलावा जो चित्रा और अरुणा का चरित्र चित्रण है, उस पर आधारित भी प्रश्न हो सकते हैं। तो उनके चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी समझने की कोशिश करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कहानी का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 2 या 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो कहानी के उद्देश्य पर आधारित होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें मानव के जीवन में कलात्मकता का क्या महत्व है उसे एक ओर स्थापित किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा सामाजिक दायित्व है, समाज निर्माण में हमारी क्या भूमिका है और किस तरह से समाज को बदलकर हम देश को भी और विश्व को भी बदल सकते हैं, नई मानवता की सृष्टि कर सकते हैं, एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक सुंदर पृष्ठभूमि तैयार की गई है। और लेखिका ने संवादों के माध्यम से, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से इस तथ्य को प्रस्तुत करने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
शिक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन जहां केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।